मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में समाज सुधार अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर जीविका दीदियों ने अपने अनुभव रखे। कार्यक्रम के जरिए दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों के उन्मूलन के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया। और भागलपुर बम ब्लास्ट में पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए नेताओं का तांता लगा हुआ है। पीरपैंती विधायक ललन पासवान बम ब्लास्ट घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मिलकर सरकार से मुआवजे की मांग की है और उच्च स्तरीय जांच की भी बात कही है। वहीं भागलपुर के नगर विधायक कांग्रेस के अजीत शर्मा ने सरकार से परिवार को न्याय दिलाने और मदद की मांग की है। एटीएस टीम बम ब्लास्ट कांड की जांच कर रही है। हम लोग विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, वो कल समाप्त हुआ। सीधे मैं भागलपुर पहुंचा हूं और काफ़ी दुखद घटना है ये, और इस पर पूरे देश की नज़र है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके और यहां फोन करके माननीय मुख्यमंत्री से इसका हालचाल जाना है और इसकी गहन जांच हो रही। फोरेंसिक टीम पहुँची हुई है। अगर आतिशबाजी बनना है तो यह निश्चित तौर पर प्रशासन की अनदेखी हुई है और मैंने सदन में भी कल आवाज उठाई और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है, उच्च स्तरीय कमेटी बना के इसका जांच कराइए और जो दोषी है उसको करिए। आखिर थाना यहाँ बगल में है, आखिर थाना लोग कैसे नहीं जानते हैं? आतिशबाजी पहले भी घटना घटी है, 2018-2020 में भी बम विस्फोट हुआ है। बम मतलब यही